स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें स्पोर्ट्स तक, और साथ ही किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपने फुटबॉल मैच के दौरान खिलाड़ियों की जबरदस्त स्किल देखी होगी। आपको किसी की ड्रिबलिंग पसंद होगी तो किसी खिलाड़ी की स्पीड के दीवाने होंगे आप। लेकिन ब्राजील में खेले गए एक फुटबॉल मैच के दौरान फुटबॉलर्स की एक अजीब सी स्किल देखने को मिली। इस मैच में अपने पैरों का जादू तो दिखाया, लेकिन फुटबॉल पर नहीं बल्कि दूसरी टीम के खिलाड़ियों पर। गुयाई स्टेट चैंपियनशिप का सेमीफाइनल मुकाबला जो एटलेटिको गुआनिंस और विला नोवा के बीच खेला गया, मैच के बाद खिलाड़ियों में विवाद हुआ। बस फिर क्या था, दोनों टीमों के खिलाड़ी एक दूसरे पर चढ़ बैठे और एक दूसरे पर लात घूंसों की बरसात शुरू कर दी। खिलाड़ी ही नहीं, दोनों टीमों के सपोर्ट स्टाफ भी इस मारपीट में शामिल हो गए। दोनों टीमों के बीच ये हाथापाई इतनी बढ़ गई कि इनको रोकने के लिए बचाव दल को बुलाना पड़ा। इस मारपीट के दौरान दोनों टीमों के कुछ खिलाड़ियों को गंभीर चोटें आईं।